रहा है। आज ही मैं मैडम से कह के तुम लोगों का फैसला करवाती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझसे मिलने आज जरूर आओगी। मिस्टर मल्होत्रा आज आपसे मिल नहीं पाएंगे। इस वक्त मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। अरे चुनाव करीब आ रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं तुम्हें मॉडल बनाना चाहता हूँ। वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। आज मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने वाला हूँ। ब्लैकमेल? ये मेरा कमरा है, मैं इसमें सिगरेट पीऊँ, दारू पीऊँ, कुछ भी करूँ, किसी को क्या। गुड इवनिंग मिसेस मेहता। अरे ये क्या ग्रोवर, तुम अभी तक इस लड़की के रूम में? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि 10 बजे के बाद किसी लड़की के रूम में बैठना मना है? ये मेरे मेहमान है, मैंने इन्हें बुलाया है। ग्रोवर बैठो तुम। ए लड़की, तुमको पहले दिन हमने बोला था कि 10 बजे के बाद कोई मर्द रूम में अलाउड नहीं होगा। अरे तुम शराब और सिगरेट पी रही हो? छी छी छी, उठाओ दोनों चीजें और बाहर फेंको। और ग्रोवर तुम दफा हो जाओ। चलो ग्रोवर कहीं नहीं जाएगा, सिट डाउन ग्रोवर। ए लड़की, मकान मालकिन मैं हूँ, समझी? मकान मालकिन होंगी आप, लेकिन इसका किराया मैं दे रही हूँ, और काफी सॉलिड किराया है, इफ यू डोंट माइंड। अगर आपको एतराज नहीं है तो ग्रोवर मेरे मेहमान है, और जब मेरा मन होगा तब वो जाएंगे यहाँ से। देखो देखो, प्लीज झगड़ा मत करो, मैं चला जाता हूँ। यू जस्ट सिट डाउन, ओके, जस्ट सिट डाउन। अच्छा ये बात है, कल सुबह 10 बजे से पहले ये मकान तुम्हें खाली करना होगा। मुझे नहीं, शायद आपको इस मकान से हाथ धोना पड़े। क्या मतलब? मिसेस मेहता, आपने बगैर परमिशन के इस बिल्डिंग का FSI बढ़ाया है। ये बिल्डिंग 2 मंजिल की थी और आपने गैर कानूनी तौर से इसे 3 मंजिल का कर दिया है, और उसके बावजूद आपका जो गराज है उसको आपने कमरा बना के किराए पे दिया है। Am I right? बिल्कुल झूठ। किसने कहा तुम्हें ये सब? कुलकर्णी ने। कुलकर्णी याद है आपको? आप उसे हर महीना 10,000 रिश्वत देती हैं ताकि वो आपके रिपोर्ट पे सिग्नेचर्स ना करे कि आपका FSI बढ़ा हुआ है। एक्सक्यूज मी, मेरे पास आपके लिए कुछ है। ये क्या है? ये आपके ओरिजिनल FSI की जेरोक्स कॉपी है। उसमें ये भी लिखा है कि अब आपका FSI कितना बढ़ गया है। कुलकर्णी ने मुझे दी थी। आप ड्रिंक लेंगी? मैं पीती नहीं हूँ। मेरे कहने पे भी नहीं? ठीक है, तुम कहती हो तो पी लेती हूँ। That's the spirit. That's the spirit. Make her a drink. अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि अगर आप मुझे तंग करेंगी मिसेस मेहता तो मैं क्या करूँ? अरे नहीं नहीं बेटी, तुम जो चाहे सो करो, दारू पियो, सिगरेट पियो, तुम चाहो तो ग्रोवर के साथ भी रह सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। पीजिए। देखो बेटी, ये FSI की बात किसी और को मत बताना। बिल्कुल नहीं आंटी, आप भी मुझे तंग तो नहीं करेंगी ना रोज रात को? बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं अब चलती हूँ। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। तुम्हारे FSI के बारे में तुम्हें कैसे पता था? हमारे जासूस सब जगह मौजूद हैं बच्चू। तो वेरी स्मार्ट दे रही है। महीन, तुमने ऋतु के बारे में क्या सोचा है? अब सोचने के लिए बाकी रही क्या गया? बच्चा गिरा दो। वाह, कितनी आसानी से कह दिया तुमने, बच्चा गिरा दो। आसान तो है ही, आजकल शहर में कितने नए क्लिनिक्स खुल गए, किसी एक में ले जाकर ऋतु का मां अबॉर्शन कर लो ताकि कल के अखबार में ये न्यूज छप जाए। इट्स वेरी रिस्की। जैसे कि जर्नलिस्ट को और कोई काम नहीं है सिवाय तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने के। महीन तुम समझते नहीं हो, ये जर्नलिस्ट अबॉर्शन सेंटर्स के आजू बाजू ऐसे घूमते हैं जैसे कि मक्खियां घूमते हैं। नो प्रॉब्लम, बुरखा पहनकर चली जाओ। तुम्हें मजाक सूझ है महीन, तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि ऋतु प्रेग्नेंट है। तो फिर मैं क्या करूं? मैं कोई डॉक्टर तो हूँ जो खुद उसका अबॉर्शन कर दूं। तुम उस MLA के बारे में कुछ क्यों नहीं करते? मैं कुछ नहीं कर सकता, नथिंग। तुम डरपोक हो ये तो मुझे मालूम था, लेकिन नामर्द भी हो ये आज मुझे पता चला है। शर्म नहीं आती तुम्हें मुझसे इस तरह की बात करते हुए? बिहेव योरसेल्फ।
हकीकत ही तो कह रही हूँ। वो आदमी हमारे घर पे आकर हमें गालियां देकर धमका कर चले गया और हमने कुछ नहीं किया। कल को कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आ जाएगा, हमारे घर में आके हमें गाली देकर चला जाएगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। वो कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं है, उसके पास ऐसी फाइल है जिससे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज हमेशा के लिए बंद हो सकती है। उसकी पहुंच बहुत ऊंची है। तुम ये क्यों भूल जाते हो महेंद्र कि हमारी पहचान भी तो बड़े बड़े लोगों से है और हर साल मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तरफ से पार्टी फंड के लिए लाखों रुपए डोनेट किए जाते हैं। तुम दिल्ली फोन करके किसी मिनिस्टर से बात करो। क्या कहूं मिनिस्टर्स को, यही कि हमारी बेटी रितु एक अनब्याही मां बनने जा रही है। उसे मां बनाने वाला उन्हीं का एक एमएलए है, वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसी बातों के लिए मैं अपनी इन्फ्लुएंस को बिल्कुल यूज नहीं करना चाहता। वैसे भी मिनिस्टर्स को भाई साहब जानते थे, मैं नहीं। इसलिए क्या ऐसा करो, चुपचाप रितु का अबॉर्शन करवा दो। दैट्स इम्पॉसिबल महेंद्र, अगर बच्चा गिरवाना है तो विदेश जाकर होगा। एंड यू नो दैट दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, रितु को मां बनने दो, हो जाने दो हमारी बदनामी, इसमें क्या है। तुम्हारी ये ब्लैकमेल टैक्टिक्स अब मुझ पर बिल्कुल असर नहीं करने वाली। मेरे पास और एक तरीका है इससे निकलने का। वो क्या है? खबर करो महेन, वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा। हाँ, जो करना है सो करो, लेकिन एक बात क्लियर होनी चाहिए, अब हम इस विषय पर आगे कोई बात नहीं करेंगे। यू अंडरस्टैंड? हेलो चंदा, मैं निशी बोल रही हूँ। चंदा, आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी अर्जेंटली, अभी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी घर पर, जल्दी। ओके, हाय प्रहलाद, कैसे लग रही हो? वाओ, फैंटास्टिक, यही लुक चाहिए था मुझे। ये जैकेट कैसा है? ऋषभ ने मुझे दिया था। अच्छा बबली, जरा ये कर्टन के सामने आना प्लीज। ओके। अरे प्रहलाद, यहाँ पर एक फोटोग्राफ रहता था ना। फोटोग्राफ? हाँ, यही तो रहता था हमेशा, कहाँ गया? यार बबली, फोटोग्राफ को मारो गोली, जरा प्लीज कर्टन के सामने खड़े होना। नहीं नहीं, पहले फोटोग्राफ ढूंढते हैं, तुमने ही कहीं रखा होगा यहाँ। हो सकता है, बैकड्रॉप बनाने के लिए मैंने काफी कुछ चीजें इधर उधर कर दी थी। इसका मतलब है तुम ही ने छुपाया है फोटोग्राफ? यार बबली, ऐसा क्या है उस फोटोग्राफ में जो अभी इसी वक्त ढूंढना है तुमने? मिल गया। ये देखो, हम दोनों लग रहे हैं ना क्यूट। दोनों का तो पता नहीं, लेकिन एक काफी क्यूट लग रही। पता है प्रहलाद, तुम ये पहले इंसान हो जिसे मेरी हर बात अच्छी लगती है। क्या करूं, बचपन से झूठ बोलने की आदत है। बिग जोक, अभी तुम्हें देर नहीं हो रही है। अच्छा, स्टूल पे जाके बैठो। ओके। बबली, ये कैसा एक्सप्रेशन है? ऐसा एक्सप्रेशन नहीं चाहिए मुझे। तो फिर वोग मैगजीन्स में सब मॉडल ऐसे ही पोज देती है। वो मॉडल्स है ना, तुम अभी मॉडल बन रही हो, जब बन जाना फिर देना ऐसे लोग। फिलहाल तुम उतना करो जितना मैं तुमसे कहता हूँ करने के लिए। मगर मुझे सेक्सी दिखना है, यू नो व्हाट आई मीन। बबली, सेक्सी दिखने के लिए ऐसे एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं। रियली? ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी फोटोग्राफ ऐसे लूंगा कि तुम सेक्सी और खूबसूरत दोनों लगो। ओके ओके, लेट्स गेट वर्क डन। और सुनो, डिस्ट्रैक्ट मत होना, टेलीफोन की घंटी बजे या दरवाजे की घंटी, तुम हिलोगी नहीं। अरे मगर ऋषभ का फोन आएगा तो उसको बोलना बाद में फोन करेगा। मगर अरे, एक मिनट एक मिनट ऋषभ। ओ करिश्मा, हाय। सुनो, बाद में फोन करना। ओके। अरे सुनो सुनो, एक फेवर करना मेरे लिए, ऋषभ को कहना कि आधे घंटे के बाद। आधा नहीं, 3 घंटा। इतनी देर? ओके, 3 घंटे के बाद फोन करना। ओके, थैंक्स, बाय। खुश, अब ले फोटोग्राफ। ओके, रेडी, एक्शन। गुड मॉर्निंग। किससे मिलना है आपको? मुझे नहीं, आपकी मैडम को मुझसे मिलना था। आप देविका जी हैं? राइट। मैडम ने कहा था कि आप आने वाली हैं। मैडम अभी बाहर गई है, लेकिन अभी आती होगी।
आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. नो प्रॉब्लम. इंतजार में तो हमारी आधी जिंदगी निकल गई. कहिए कहाँ इंतजार करूँ, यहाँ बार में या मैडम के बेडरूम में? नहीं, आप यहाँ बैठिए ना. ओके. आप कुछ लेंगी मैडम, चाय, कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक? फिलहाल तो सादा पानी चलेगा. इंतजार बहुत करना पड़ा तो गेट मी वन स्कॉच ऑन द रॉक्स, बर्फ के साथ. थैंक यू. Oh damn, I forgot there are no ashtrays in this house. Yes? Excuse me, madam. Yes? Madam, मैं travel agency से आया हूँ. आपका नाम श्वेतलाना मैडम है? जी हाँ. मैडम, मैं आपका पासपोर्ट लेके आया हूँ और आपका ब्रिटिश वीजा भी हमने तैयार कर लिया. ओह वंडरफुल, थैंक यू. थैंक यू. यू आर वेलकम. मैडम, किससे बात कर रही थी आप? कोई चंदा मांगने आया था, उसे मैंने रफा दफा कर दिया. अच्छा किया. ये चंदा मांगने वालों की हर रोज की खिटखिट, हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं. रियली पानी. थैंक यू. थैंक यू. तुम्हारा नाम क्या है? सुनीता. इतने बड़े घर में तो काफी काम होता होगा. नहीं, काम तो बहुत होता है. सुनीता, तुम्हें कुछ काम नहीं है अभी? जी जी हाँ. थैंक यू. उम्र पासपोर्ट के दूसरे पन्ने पर लिखी होती है, आखिरी पन्ने पर नहीं. प्लीज सिट. तुम्हें तो जासूस होना चाहिए. आई प्रॉमिस यू, सिर्फ तुम्हारी उम्र देखना चाह रही थी. और क्या? चलो मान लेते हैं तुम्हें. वैसे मैं 36 साल की हूँ. रियली? मुझसे 6 साल बड़ी. लेकिन लगती तुम तुमसे छोटी. वो तो देखने वाले पर निर्भर करता है. देविका, तुम बातें तो बहुत खूब कर लेती. और भी बहुत कुछ बहुत खूब कर लेती. यकीनन, वरना तुम्हारा गुजारा कैसे होता होगा? तुम मेरी बात का जानबूझकर गलत मतलब निकाल रही हो. मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ स्वेतलाना, जो अपनी खूबसूरती और जवानी पर जीती है. तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मेरे पास MBA की डिग्री है, जबकि तुम शायद मैट्रिक पास भी नहीं हो. लेकिन फिर भी मेरे पास वो सब कुछ है जो तुम पाना चाहती थी लेकिन पा ना सकी. तुम्हें क्या लगता है, एक गाड़ी, बंगला, 2 बच्चे और बैंक में थोड़े पैसे होने से तुमने सब कुछ पा लिया? तुमने केशव को पा लिया था क्या? What do you mean? जिस्म चीज ही ऐसी है जिससे आदमी बहुत जल्दी ऊब जाता है. और फिर तुम 36 साल की हो, 2 बच्चों की माँ हो, तुम्हें अब वो बात कहा. तुम ये कहना चाहती हो कि केशव मुझसे नाखुश था? Oh no, not at all. बीवी के तौर पे तुमसे शायद वो बहुत खुश था, शायद. लेकिन केशव को पत्नी कब चाहिए थी? और इसलिए वो दूसरी औरतों में खुशी ढूंढने लगा, यही ना? अगर ऐसा नहीं होता तो वो मेरे साथ संबंध क्यों रखता? झूठ बोल रही हो तुम. अपने आप को झूठी तसल्ली मत दो स्वेतलाना. केशव किस किस्म का आदमी था ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो. वो औरतों के मामले में पुराना खिलाड़ी था और एक औरत से तो वो कभी खुश नहीं रहा. ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो, वरना तुम मुझे यहाँ नहीं बुलाती. क्या मतलब? तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम जानना चाहती हो कि मैं उसके साथ मिलान में क्या कर रही थी. हाँ, लेकिन इसके अलावा मैं उसकी मौत के बारे में जानना चाहती हूँ, उसके आखिरी समय के बारे में. तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी? यस. क्या बात है निशी, इतना अर्जेंटली बुलाया मुझे. सब ठीक तो है ना? सब ठीक है यार, घबराने की कोई बात नहीं. फिर अर्जेंट मैसेज? तू अपनी किटी पार्टी में बिजी रहती है ना, मुझसे मिलती नहीं, इसलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया. ओह नो, तो ये बात है. क्यों, तू निराश हो गई मुझसे मिलकर? खुशी नहीं? ऐसी बात नहीं है मिसेस कॉल, जानती हो ना तो. हाँ, वो आज मुझे विनोद खन्ना से मिलवाने ले जा रही थी.
और उसके पति फिल्म फाइनेंसर है ना, इसलिए। छोड़ यार, विनोद खन्ना के पीछे क्यों पड़ी, अब तो उसकी शादी भी हो गई। पागल। बट ही वॉज माई हार्ट थ्रब, यू नो। खैर, तुमने बुलाया किस लिए मुझे वो बताओ। कुछ नहीं बाबा, ऐसे ही बुलाया। अब मुझसे ये नाटक ना करो, असल बात क्या है वो बताओ। अच्छा चल, मैं बता देती हूँ। मैं चाहती हूँ कंचन कि तू मुझे रितु के लड़का ढूंढने में मदद कर। रितु के लिए? शी इज अ चाइल्ड यार, वो तो अभी टूटी फ्रूटी खाती है, उसकी तुम शादी करवाना चाहती हो। मैं भी यही सोचती थी कि वो बच्ची है, लेकिन अब मुझे लगता है उसकी शादी करा देनी चाहिए। शी इज 18 यार। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? What do you mean by गड़बड़? मतलब कोई बॉयफ्रेंड वगैरह का चक्कर? ऐसी कोई बात नहीं है यार, रितु को पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, और कौन सा उसको पढ़ लिख कर पंडितायन बनना है। तुम सही कह रही हो, मुझे भी अपनी पिंकी के बारे में कुछ ऐसे ही सोचना पड़ेगा। न जाने रात भर किसके फोन आते रहते हैं। खैर, तुम्हें लड़का चाहिए किस तरह का? चंदा, मुझे लड़का ऐसा चाहिए जो हमारे स्टेटस का हो, खानदानी हो, इकलौता हो तो और भी अच्छा, और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो। यू नो व्हाट आई मीन ना? ऐसा क्यों नहीं कहती कि महीन के जैसा चाहिए? क्या महीन के जैसा? व्हाट डू यू मीन बाय महीन के जैसा? ऐसा लड़का जो अपनी बीवी की सारी बातें मानता हो, उसके सर पे नाचने वाला। बिल्कुल ठीक समझी तुम। ऐसा लड़का है कोई तुम्हारे ध्यान में? खैर, एक लड़का तो है, उसके मम्मी डैडी से बात करके देखती हूँ। खानदानी तो है, मगर तुम्हारे जैसे पैसे वाला नहीं है। अरे फैंटास्टिक यार, मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए। ठीक है, बात करके देखती हूँ। तो एक काम कर, चट मंगनी पट ब्याह करा दे। कब शादी करवाना चाहती हो तुम? अरे हो सके तो कल यार। वो सारी प्रणाम, मैं तुम्हें ऋषभ से मिलाना ही भूल गई। वो ऋषभ था। अच्छा, तुम कुछ कह रहे थे? तो बोलो ना। खैर छोड़ो यार, कभी और से। Hey, this is my favorite song. Let's dance. Come on. आज नहीं यार, कभी और से। आज मूड। शान की हाथे जान की बाजी, मान की हाथे ईमान की बाजी। इंसान की हाथे भगवान की बाजी, अरमान की हाथे एहसान की बाजी। वो क्या जीते क्या हारे, दिन छोटा सा।